रतन की बत्ती बना ले, रतन रख ले, खुद हमें दे दे MSP। EVM को हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव करो। चंडीगढ़ के मेयर के छोटे से चुनाव में इन्होंने इतनी धांधली कर दी, तो सोचिए आप प्रधानमंत्री के चुनाव में ये क्या करते होंगे। वो आंखें खोल दिए चंडीगढ़ के इस कैंसलेशन ने, पूरे हिंदुस्तान की आंखें खोल दी हैं कि आप देखिए कितने छोटे से चुनाव में इतनी भारी धांधली करी है। और वो तो शुक्र है कि वो बैलेट पेपर से पैसा पकड़ी तो गई, EVM से तो पकड़ी नहीं जाती, इसलिए बैलेट पेपर से अगर ये धांधली करेंगे तो पकड़ में आ जाएगी, और EVM की तो आप पकड़ ही नहीं सकते, इसलिए EVM को बैन करना पड़ेगा। कैंसिल हो गए तभी तो अब वो मेयर भी कैंसिल करना पड़ा है, नया मेयर दिया सुप्रीम कोर्ट का। धन्यवाद करते हैं हम कि उनकी आत्मा जागी जजों की और उसके फेवर में, और वो क्या नाम है मेयर को कैंसिल करा, नहीं तो और क्या नाम है हंगामा होना था। बड़ा खूबसूरत निर्णय दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और ऐसे ही हम EVM को बंद करवाएंगे, इलेक्शन कमीशन को ताला लगवाएंगे, मैं ऑन कैमरा कह रही हूँ। कॉल दी है उदित राज जी ने जंतर मंतर पर EVM को लेकर, लेकिन परमिशन नहीं मिली है दिल्ली पुलिस से, कैसे करोगे आप आंदोलन दिल्ली में जंतर मंतर पर? इनकी परमिशन चाहिए किसको, परमिशन इनसे मांगनी नहीं चाहिए, ये परमिशन ये राजा थोड़ी है देश के, ये तो भगाने पड़ेंगे, अंग्रेज भी भगाए थे इनको, अभी दिल्ली से भगाना पड़ेगा। ये तो परमिशन देने वाले होते कौन है, मोदी होता कौन है भैया, तेरा भाई जो है वो तड़ी पार है, उसको हथकड़ियाँ डली हुई थी, तू खुद गोधरा का मास्टरमाइंड है, इनसे परमिशन लेगा कौन, मेरी तो समझ में यह नहीं आ रही है। दिल्ली हमारी है, हम जहाँ चाहेंगे जब चाहेंगे प्रदर्शन करेंगे, और जंतर मंतर पर सबका अधिकार है प्रदर्शन करने का, अभी वकील साहब ने आपको बताया ना, प्रदर्शन करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, दिल्ली पुलिस की औकात ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। जंतर मंतर सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन करने के लिए बनाई गई है स्पेशल जगह, हमें संसद में थोड़ी ना घुस रहे हैं, जंतर मंतर पर तो कोई भी आंदोलनकारी बैठेगा। लेकिन धारा 144 लगी हुई है दिल्ली में, अरे भाड़ में जाए उसकी बत्ती बना लेंगे हम, धारा 144 को कौन मानता है, नरेंद्र मोदी बत्ती बना ले 144 की, नरेंद्र मोदी पे हम लगाएंगे धारा। आप कानून नहीं मानती हैं? अरे 144 लगाने का दिल्ली पुलिस को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि आप हमें आंदोलनकारियों को रोकेगी क्या दिल्ली पुलिस, अपराधियों को पकड़े, तड़ीपारों को पकड़े, किसानों को, मजदूरों को, EVM वालों को, इनको क्यों रोक सकती है, नहीं रोक सकती, उनके उनके पास पावर ही नहीं, उनको देना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन। अरे डरा हुआ है, तानाशाह डरा हुआ, पुलिस नहीं, पुलिस के मसीहा डरे हुए हैं, आप समझो। तड़ीपार को हर जगह चोर, वो चोर है ना, हर जगह उसे पुलिस नजर आती है। हाँ विष्णु हो, विष्णु का भाई हो, नाना का कताऊ हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम अपना आंदोलन करते हैं जंतर मंतर पर 100% जाएंगे कल, और इसीलिए हम रुके हुए हैं दिल्ली में, वरना तो हमें शंभू बॉर्डर पे होना चाहिए, वहाँ पर गोलियाँ चली हैं आज। विश्वगुरु बन रहा है भारत और विष्णु लिखा जा रहा है मोदी जी के लिए अखबारों में, पूरे पन्ने का ऐड चल रहा है। किसानों के लिए कीले गाड़ के इस विश्वगुरु की बत्ती बनाएंगे हम, ये कील गाड़ने वाला ये देश का मालिक इसको हम बनाएंगे, ये अडानी का एजेंट मात्र है, ये दलाल है, अडानी इसका बॉस है, किसानों का बॉस कोई नहीं है, किसान देश के मालिक हैं, कृषि प्रधान देश है, हम एक ही मालिक है देश का, और वो है कृषक, अन्नदाता। किसानों को दिल्ली में एंट्री नहीं हो रही, लेकिन आपसे क्या दिक्कत है जो जंतर मंतर पर नहीं कर सकते आंदोलन, क्या दिक्कत लग रही पुलिस की तरफ से आपको? मैं वही तो कह रही हूँ कि पुलिस ने कहा है कि 144 लागू हो रखी है किसानों के लिए, पहली बात तो किसान अभी दिल्ली में पहुँचे नहीं है, दूसरी बात आप EVM वालों को किसानों के ऐसे डरा रहे हो, वो तो सब आंदोलनकारी सब भाई भाई हैं, किसी को कोई खतरा नहीं है, दिल्ली पुलिस डरी हुई है और उनका मालिक डरा हुआ है, दैट इज दैट। आप भी डरे हुए हैं फिर तो? हमारे डरे जूती, हम डरने वाले लोग लग रहे हैं तुम्हें, हम तो क्या करेगी आपको, अरे कर लेगी गिरफ्तार करके कहाँ लेके जाएगी पुलिस भी, किसान मजदूरों के बच्चे हैं, मंत्रियों के बच्चे थोड़ी है वो, नरेंद्र मोदी के बच्चे थोड़ी हैं, हमारे बहन भाई है, जाके आराम से उनके साथ रहेंगे, डिटेल हो जाएंगे। बैलेट पेपर से हो या EVM से हो, काम चुनाव आयोग का है, आपको क्या दिक्कत लग रही है उसमें? वही तो, चुनाव आयोग अपना काम नहीं कर रहा, चुनाव आयोग इज ऑल्सो वर्किंग फॉर BJP, वही हमें खतरा है। अगर चुनाव आयोग को अपना काम करना है तो ठीक है, बैलेट पेपर से कर दे, उनको EVM की चुल क्यों मची पड़ी है? लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे तो जो है कार्रवाई कर दे सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन EVM को लेकर नहीं जाग रहा है सुप्रीम कोर्ट, ऐसा लोग कहते हैं। ये हर घंटे स्थिति बदल रही है देश की, क्योंकि देश के हर एक शहर में आंदोलन धीरे धीरे अपना मुंह उठा रहा है, सर उठा रहे हैं, छोटे छोटे आंदोलन, अभी जैसे ही अभी किसान आंदोलन अभी गति पकड़ रहा है, और क्योंकि किसान कूच कर रहे हैं, बार बार किसानों को बरगला रहे हैं, किसान आंदोलन के साथ साथ सारे आंदोलन दिल्ली में इकट्ठे होंगे, और 100% नरेंद्र मोदी का डब्बा गोल है इस बार, मैं आपको, पिछली बार भी डब्बा गोल था, इसने पुलवामा कराया और उसके बाप ने कराया था वो कारगिल,
ये ऐसे ही करते हैं, जब भी कुछ दिक्कत होती है, जब महंगाई में, क्योंकि पैसे जमा करने होते हैं, गरीब है, भूखे नंगे हैं, वीर सावरकर के वंशज हैं, तो अब इन्होंने क्या करा, पैसे तो जमा कर लिए, 10 साल में भाई ने कुछ किया तो है नहीं, राम मंदिर राम मंदिर, अरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा फूकी है, जो किसान मरे हैं उनमें प्रतिष्ठा फूक दे, MSP दे दे, तेरी क्या, तेरे को क्या घर से देना है भाई, MSP दे दे, नहीं दे पा रहा, लेकिन किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए 20,000 करोड़ लगा देगा, लेकिन किसानों को नहीं देगा, अन्नदाता है वो, रोटी क्या गोबर खाओगे रोटी की जगह, रोटी क्या डाउनलोड करोगे, जो भी रोटी खाता है उसको ये बात समझनी चाहिए कि इसको जो रोटी आपकी प्लेट में जो पहुंचा रहा है उसकी दयनीय दशा तो नहीं है, वो फटे हाल है तो दिक्कत हो जाएगी पूरे विश्व को। चंडीगढ़ का मामला जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां पे जो दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, तो EVM को लेकर कुछ लग रहा है कि डिसीजन कुछ आएगा भविष्य में? 100% आएगा, सुप्रीम कोर्ट हर दिन अलर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी इंसान ही चलाते हैं, जज इंसान ही तो हैं आपके जैसे मेरे जैसे, उनको सब मालूम है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरी व्यवस्था चरमरा गई है, नरेंद्र मोदी पैसे जमा कर रहा है अपने अंबानी को दे रहा है और गरीबों को 5 किलो सड़ा हुआ अनाज दे रहा है और झोला महंगा अनाज सस्ता है, कीड़े वाला अनाज दे रहा है, उसको ये मालूम ही नहीं कि ये अनाज भी किसान उगाते हैं, किसान मर गया तो ये 5 किलो अनाज भी गया, तो पूरे हिंदुस्तान को हमें बताना पड़ेगा कि किसान पर लाठियां, राम लल्ला को आप 5-स्टार मंदिर दे रहे हो, राम लल्ला तो एक मूर्ति है, जो असली राम है वो सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। लेकिन किसान ट्रैक्टर लेकर क्यों आ रहे हैं, अब तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि ट्रैक्टर नहीं जा सकते हाईवे पर। कोई बात नहीं, हाई कोर्ट के ऊपर भी तो और कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ट्रैक्टर के लिए, क्या सुपर हाई कोर्ट, ये साथ में ये भी तो जो देना कि किसानों का प्रबंध करो, AC बसों का, हीटर हीटेड बसों का प्रबंध करो, नरेंद्र मोदी की तरह उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियां दो, CM खट्टर हमारा यूजलेस एकदम, उसकी तरह हमें भी, हमारे बुजुर्गों को भी दे गाड़ियाँ, दे मर्सिडीज बेंच दे, ताकि हमारे किसानों को सुविधा ना, असुविधा ना हो, वो बीमार हो गए तो रास्ते में किसान आंदोलन में जो अन्य किसान संगठन में जुड़ते जा रहे हैं, क्या लंबा चलेगा किसान आंदोलन, मजबूती मिलेगी? हाँ, मैं पहले दिन से ही कह रही हूँ कि अगर एक भी किसान को छुआ तो पूरे ही उत्तर भारत को उबलना तय है, एक भी किसान को इन्होंने छू दिया तो सब सड़कों पर आएंगे, कोई भी घर में नहीं बैठेगा। 2-3 किसान शहीद भी हो गए हैं बॉर्डर पर अभी तक। हाँ, आज गोली चली है और एक 23 साल का युवा है, बाकी जानकारी मेरे पास है नहीं, लेकिन हुआ है वहाँ पर कुछ। कल हम जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन करके वापस 100% किसान आंदोलन में कूदेंगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन किसानों ने मोदी सरकार के नाक में दम कर रखा 10 साल के दौरान, तो मोदी अडानी की तरह किसानों को भी सम्मान देना, चीजें बेच बेच के अडानी को दे रहा है। MSP कह रहे हैं 5 साल के लिए मिल जाएगी आपको, 5 साल के लिए क्यों, हमेशा के लिए, किसान मालिक है भाई देश का, कॉरपोरेट का देश ही नहीं है, देश किसान का है, किसान के सारे फेवर के, सारे के नियम कायदे कानून किसान के फेवर के होने चाहिए, किसान खुशहाल रहेगा तो देश की, किसान के पास जो पैसा आता है वो वापस मार्केट में आता है, इकोनॉमी ग्रोथ करती है, किसान को मजबूत करना मजबूरी है। लेकिन एक पत्रकार कह रहे हैं कि यदि MSP दे दी गई तो देश पे कर्ज हो जाएगा, बोझ बढ़ेगा, पैसे मतलब बहुत आर्थिक बोझ पड़ेगा देश पर, पत्रकार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया होगा शायद, पत्रकार को ये मालूम नहीं है। हाँ, वो चौधरी नहीं है, तिहाड़ी है, वो तिहाड़ी है, सुधीर तिहाड़ी बुलाते हैं हम उसको प्यार से, वो कहीं का चौधरी नहीं, चौधरी तो हम है।